नमस्कार पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौर, ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 21 नवंबर से 27 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि पाइसिस और उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस करते हैं उनके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो वो महसूस कर रहे हैं कि पाइसिस को अगर इस रिश्ते में वापस आना है तो उन्हें एफर्ट करना चाहिए, अपनी एनर्जी डालनी चाहिए, मेहनत कोशिश करनी चाहिए। या फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि जो पाइसिस हैं वो बहुत मेहनती हैं, कर्मी हैं, और हर काम को अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग मतलब उसका फल चाहते हैं। वो बिना किए वो सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा। तो और वो अपने पर्सन के लिए भी ऐसा यही सेम बात फील कर सकते हैं कि उन्हें सबसे पहले इस रिश्ते में वापस आने के लिए अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत डालना चाहिए। जितनी एनर्जी डालेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही रिश्ते में रिश्ता कामयाब होगा, उतना ही रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो आपको लेकर महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में वापस आने के लिए ऑप्शन होते हुए भी वो सही समय, सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि पाइसिस का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये इसमें पाइसिस जो है स्टैंड लेंगे। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो देंगे। अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है तो अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा। और अगर वो स्टैंड लेते हैं, सही समय, सही वक्त आने का वेट कर लेते हैं और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ये अपॉर्चुनिटी है, जो बिगनिंग शुरुआत है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में पॉसिबल हो सकती हैं। तो देख लेते हैं पाइसिस आप अपने पर्सन के बारे में अब क्या फील कर रहे हैं। पाइसिस अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पाइसिस आप स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर उनके पर्सन इसमें कमिटमेंट वगैरह करते हैं तो दोबारा से ये रिश्ता एक हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए भी महसूस कर सकते हैं और जो पाइसिस हैं उनके लिए भी सोच सकते हैं कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है। जस्टिस, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस उनके साथ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं या फिर आपके पर्सन इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं तो ठीक है, जो भी उन्हें इस रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है, जो भी दिक्कतें आई हैं, तो वो इस रिश्ते में, क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम आई है, जो अभी भी वो फेस कर रहे हैं पाइसिस, उनको लग रहा है कि उनके पर्सन ने इतना दुख तकलीफ दिया है कि वो अब भी उठ नहीं पा रहे हैं,
चल नहीं पा रहे हैं, वो चलने के लायक नहीं रहे हैं, जिस पर भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक अंधेरी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी स्ट्रेस परेशानी दुविधा का धोखेबाजी का कार्ड है। तो उस इतना सब कुछ होने के बाद भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा कि अगर एक बिगनिंग एक छोटी सी शुरुआत कर दी जाती है तो, और बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन किए जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी इसमें होगी। एक दूसरे से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो जो भी ये जो जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें न्याय मिलेगा, उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी परेशानी आई है, जो भी दुविधाएं आई हैं वो सारी खत्म होंगी और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, खुशहाल बनेगा, पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो उनके साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि अगर पाइसिस के पर्सन ऐसा कर लेते हैं तो उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस न्याय मिल सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो देखते हैं कि वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं, पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। द हैंग्ड मैन, तो पाइसिस के पर्सन चाहते हैं कि वो सबसे पहले जो हैंग हो चुके हैं वो महसूस कर चुके हैं कि रिश्ता थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई खुशियां नहीं है इस रिश्ते में, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें। जब वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो उनका नज़रिया चेंज होगा, और अगर नज़रिया चेंज होगा तो सब कुछ सामने वाला उन्हें पॉजिटिव दिखाई देगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, फिर से जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई है वो सारी खत्म होंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द हैंग्ड मैन को। फाइव ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। जी, तो पाइसिस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो सबसे पहले अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो उनका नज़रिया चेंज होगा और जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स वाद विवाद और फाइट्स हुई हैं, ड्रामा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। तो वो जो पाइसिस हैं वो चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स वाद विवाद, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करें। ये जो इमैच्योर एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग एक शुरुआत करेगी तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी। और क्योंकि जो पाइसिस है वो महसूस करते हैं, वो हमेशा अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, इस रिश्ते में खुशहाली लाएं, क्योंकि वो उनके बिना ये रिश्ता अधूरा है, वो इनके बिना नहीं रह पाएंगे। तो वो उनको अभी प्यार प्रेम करते हैं, अभी भी उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो इसलिए उन्हें स्टेबिलिटी लानी चाहिए। तो देख लेते हैं कि पाइसिस पाइसिस क्या चाहते हैं। ये पाइसिस के पर्सन ऐसा सब चाह रहे थे अपने पर्सन से, यानी कि पाइसिस से, कि उन्हें इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, खुशहाली लानी चाहिए। अब देख लेते हैं कि पाइसिस क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। जो पाइसिस के पर्सन चाहते हैं वो हो सकता है कि पाइसिस ऐसा महसूस कर रहे हैं पाइसिस को ऐसा करना चाहिए, या जो पाइसिस कर रहे हैं वो उनके पर्सन ऐसा कर सकते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि एक कार्ड के इधर कई मीनिंग है। तो देख लेते हैं पाइसिस क्या चाहते हैं। द एम्परर, पाइसिस चाहते हैं कि उनके पर्सन को इतना रूड नहीं होना चाहिए, कठोर सख्त नहीं होना चाहिए, भले ही ये डिसीजन लेना, मतलब इस रिश्ते को एक अचानक से आगे बढ़ाना बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, उनको दुख तकलीफ होता है, लेकिन अगर वो अब इस समय को खो देंगे, क्योंकि जो ये समय है उनके फेवर में चल रहा है, और अगर अब इसमें उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इतना रूड ना हो, इतना सख्त ना हो, इतना अपने आप को कठोर ना बनाएं और इस रिश्ते में एक डिसीजन लें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। तो ऐसा वो
पाइसिस के लिए भी महसूस कर सकते हैं या फिर अपने पर्सन से भी जा सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर को। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो पाइसिस हैं वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी झगड़ा रहा है, मतलब टेम्पर है, जो गुस्सा है, एंगर है, वो उसको थूक दें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने पे अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, अपने इसको अगर वो कंट्रोल करेंगे, ओवर कंट्रोल नहीं होने देंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे और प्यार के साथ, प्रेम के साथ अगर वो अपने पाइसिस के साथ पेश आते हैं, उन इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, अपने करेज, हिम्मत और साहस के साथ, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर आगे आए। एक चाहे इसमें पाइसिस को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी, तो उनका फ्यूचर मजबूत होगा, सिक्योर होगा, फ्यूचर में जाकर कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं होगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए वो इस रिश्ते में इतना रूढ़ ना बने, इतना कठोर सख्त ना हो, और एक समय रहते इसमें एक डिसीजन ले, यानी कि इस रिश्ते में बैलेंस लाते हुए, स्टेबिलिटी लाते हुए, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में को हैंडल करते हुए, यानी कि उसमें थोड़ा सा उसको अच्छे सही समय सही वक्त पर उसको यूज़ करें, जब ऑफिस का टाइम है या घर का या बाहर का काम है तो उसे उसके अकॉर्डिंग चलें, और जब घर गृहस्थी का समय होता है तो उसमें भी थोड़ा सा समय वक्त दें, ऐसा वो उनसे चाहते हैं, ताकि रिश्ते में आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। जो इस रिश्ते में अब तक माइंड के मैनिपुलेशन चल रही थी, कहीं ना कहीं वो इधर ख़त्म होती दिखाई दे रही है। माइंड के मैनिपुलेशन या फिर जो पाइसिस या उनके पर्सन महसूस कर रहे थे कि वो जो ये ईगोस्टिक हैं, अपने ईगो को प्रेफरेंस देते हैं, वो दूसरे पर्सन को नहीं समझते, या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। वो जो इसमें परेशानी दुविधा आ रही थी, तो शायद वो चीज़ इसमें ख़त्म होगी। अगर दोनों कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और डिसीजन लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिश्ते, ये जो इसका आउटकम है वो अच्छा होगा, खुशहाल होगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। जी, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी अब तक इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जो भी परेशानियां दुविधाएं आई हैं, जो वो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे कि वो ईगोस्टिक है, वो अपने आप को प्रेफरेंस देते हैं, वो लड़ाकू टाइप के इंसान है, तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही हैं। और इस रिश्ते में इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों को एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह की जाती है, तो ये रिश्ता और उनके साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी सेलिब्रेट किया जाता है, एक उनके साथ बैठकर एक परिवार, एक फैमिली की तरह थोड़ा सा टाइम दिया जाता है एक दूसरे को, तो ये रिश्ता जो है फिर से फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, नेम ऑफ फेम मिलेगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, फिर से सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आएंगी। तो इसमें कमिटमेंट होता दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, चेयरफुल रिश्ता होता दिखाई दे रहा है, खुशियां इसमें आती दिखाई दे रही हैं। जो भी ये रिश्ता परेशानी दे रहा था, दुविधाएं दे रहा था, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती दिख रही हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ
स्वॉर्ड्स तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रही हैं कि दोनों एक दूसरे से अगर खुलकर आप बातें करते हैं तो जो जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो पहले या फिर अब भी जूझ रहे हैं, तो अभी इस रिश्ते में जल्दबाजी ना करें। अपने जो सही समय है, सही वक्त है, उसका वेट करें। भले ही आपके पास ऑप्शन है, लेकिन इस रिश्ते में आपको सही समय सही वक्त आने का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी आप अभी भी कुछ चीज़ों को भुला नहीं पाए हैं। आप हर्टेड हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, और जब तक आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आप अपना सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करें, अपने आप को हील करें, प्रोटेक्ट करें और अपने पैरों पर खड़े हों। आप सेल्फ डिपेंडेंट बने और खुद पर फोकस करें। इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने की सोचें, और जो भी अगर कोई राज मिस्ट्री कोई ऐसी बात है तो वो अपने तक सीमित रखें। अभी वो उसके बारे में किसी के सामने जिक्र ना करें कि रिश्ते में क्या परेशानी है या फिर ये रिश्ता दोबारा से आगे बढ़ रहा है। तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। जो परेशानी दुविधाएँ इस रिश्ते में आई हैं, जो भी प्रॉब्लम आप अब भी फेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप भुला नहीं पाए हैं, तो अगर आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो धीरे धीरे करके इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी और सा फिर से ये रिश्ता एक होगा। सबसे पहले आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने बारे में सोचिए, तो फिर रिश्ता बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन होते हुए भी आपको इस रिश्ते का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि समय आने पर सारी चीज़ें फिर से आगे बढ़ सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कामयाबी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अब तक कमेंट्स करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ अभी से एक अच्छा कमेंट्स देना शुरू कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, हेल्प मिलती रहे और वीडियो बनाने में खुशी होती रहे। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।